अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देख सकते हैं हमने रोज़ फ्लावर ड्रॉ किया हुआ है और साथ ही हमने इसमें जो है किनारे किनारे पे छोटे छोटे फ्लावर भी डाले हुए हैं। और ये मैं इस तरह से डिज़ाइन तो मैं खुद ड्रॉ की हूँ, लेकिन मैंने इसकी पेंटिंग जो है यूट्यूब पर देखी थी, पेंटिंग किया हुआ रोज़ देखा था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैं उसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और आज की वीडियो में देखेंगे कि ये डिज़ाइन बनती है, आपको पसंद आती है कि नहीं पसंद आती, और मुझसे सही बन पाती है या नहीं। तो आप सब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये डिज़ाइन कैसी बनी है, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, साथ ही हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी डिज़ाइन हम जो खुद से बनाते हैं, प्रिंट करते हैं, वो भी आप देख पाएंगे। और बहुत सारी डिज़ाइन, बेडशीट वगैरह जो भी है, सब जो मैं बनाती हूँ, आप वो सब डिज़ाइन को अच्छे से देख पाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है और किनारे पर लगाते हुए इस तरह से उसको जो है कलर को अच्छे से यहाँ पे फिल कर रही हूँ। बाहरी साइड में उसको अच्छे से कलर को ब्लेंड करना है बहुत ही हल्के हाथों से। शेड काफ़ी अच्छा आना चाहिए। ये जो शेड है मेरा बनता नहीं है, मैं कितना कोशिश करती हूँ लेकिन मेरा जो ये शेड वो बनता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं एक दिन ज़रूर बना के रहूँगी। मुझे एकदम से ये शेड जो है लाइट चाहिए, तो लाइट ये बनता नहीं, कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम हो जाता है, तो लाइट नहीं बन पाता है। तो मैं उसके लिए कभी कभी ट्राई करती रहती हूँ कि बन जाए, तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर बनेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, साथ ही हमने सेफ ग्रीन लिया हुआ है और हमने कपड़े को थोड़ा सा भिगा कर रखा है और ब्रश में कलर लेकर उसी कपड़े पे लगा रही हूँ, भीगी जगह है, और फिर उसके बाद ब्रश को उसी में साफ़ करके दोबारा से इस तरह से जो है ब्लेंड कर रही हूँ कलर को। पहले नीचे से थोड़ा सा डार्क शेड लगा लें, उसके बाद कपड़े को जो है इस तरह ब्रश को कपड़े पे साफ करके कलर को फैलाएं अच्छे से। इसमें आपका जितना ब्रश जो है घना और फैला रहेगा उतना अच्छा आपका ये चीज़ बनता है। तो मेरे पास ऐसा कोई ब्रश भी नहीं है, क्योंकि अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ मुझे कुछ आइडिया नहीं है कहाँ पे क्या चीज़ मिलती है, तो इस वजह से मैं ले नहीं पा रही हूँ। इसके लिए भी मुझे मार्केट वगैरह निकलना पड़ेगा और इसका पता लगाना पड़ेगा कहाँ पे सब चीज़ें जो है मिलती हैं, तो इंशाल्लाह मैं भी लाऊंगी बनाऊंगी। तो बस इसी तरह से हमें कॉर्नर कॉर्नर पे जो है कलर को फिल करना, अपने हिसाब से आपकी मर्ज़ी कोई भी कलर लगा सकते हैं, जो अगर आप जो कलर का फ्लावर लिप बनाते हैं उससे अलग होना चाहिए हमारे बाहर साइड का कलर, और नीचे साइड तो नीचे शेड देते हैं यानी कि परछाई बनाते हैं, तो इसके लिए वहाँ पे ब्राउन या फिर ग्रे टाइप का कलर इस तरह से कलर लगाते हैं ताकि जो है जो फ्लावर की परछाई दिखे, शेड्स बनते हैं ना, तो इसलिए नीचे डार्क शेड लगाते हैं। बाकी आप ग्रीन शेड भी फैला के उसमें बाद में लीफ वगैरह जो है उसमें बहुत छोटे छोटे जो है डालते हैं, उससे भी आपका जो है पेंटिंग अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मॉव कलर लिया हुआ है, उसको मैं लगा रही हूँ और इस तरह से उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप ग्रीन शेड के ऊपर इसके ग्रीन शेड के नीचे भी कर सकते हैं और इसको ऊपर भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको नीचे से डार्क रहेगा, ऊपर थोड़ा लाइट रहेगा, इस तरह से शेड को हमें इसको ब्लेंड करना है, यानी कि बारीक से में हमें इसको फैलाना है अच्छे से। अभी ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा अभी, लेकिन जब ये बन जाएगा तो अच्छा लगेगा। और बनने के टाइम ऐसा लगता है कि कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, जब इसमें सब चीज़ हम सारी चीज़ डाल देते हैं, बना देते हैं, छोटे फ्लावर लीफ वगैरह जो भी डाल देते हैं, फिर इसका जो है चेंज हो जाता है बनने के बाद, और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। हाँ, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बाहरी हिस्से में जो है कलर को अपने लगा लिया है। अब हम बनाएंगे लीफ। सबसे पहले लीफ में हम क्या करेंगे, वाइट कलर ब्लेंड करेंगे, पूरी लीफ में पूरा है वाइट कलर को हमें फिल कर देना, भर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लीफ बनाकर आप पूरा जो है इस तरह से पूरी लीफ को वाइट कलर से फिल करना, जिस तरह से मैं सैप ग्रीन पूरा फिल करती हूँ लीफ में, बिल्कुल उसी तरह से हमें ये
लीफ में वाइट कलर फिल कर लेना है। और ये फिल करने के बाद जो है आप जो है इसमें या तो पानी का यूज़ करें या फिर मीडियम का, मैं तो पानी का यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैं पानी का यूज़ करती हूँ और तकरीबन 10 साल से पेंटिंग बना रही हूँ, कोई भी इसमें इफ़ेक्ट नहीं होता है या कलर वगैरह कुछ निकलते भी नहीं है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप या तो आप मीडियम यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ कर लीजिए, या फिर आप अगर मेरी तरह पानी यूज़ करना चाहते हो तो पानी यूज़ कर लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, जो बताए जो सही है मैं बता दे रही हूँ। और फिर देखिए साइड से हमने यहाँ पे डीप ग्रीन लगाया है, जो ग्रीन डार्क ग्रीन में होता है वो शेड, वो वाला मैं ग्रीन लगा रही हूँ। तो यहाँ पे किनारे किनारे से आउटलाइनिंग करते हुए सारी लीफ को हमें अच्छे से वाइट कलर पे ब्रश को अच्छे से इस तरह से दोनों कलर को अच्छे से ब्लेंड करना है ब्रश को, और अच्छे से किनारे किनारे उसको थोड़ा डार्क करेंगे लीफ को, क्योंकि जब डार्क रहेगी किनारे से हमारी लीफ तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और आप चाहें तो इसमें किनारे पे कहीं मतलब ये डीप ग्रीन नहीं लगाएंगे और वहाँ पे रेड कलर या फिर पिंक कलर डाल देंगे तो भी आपकी जो लीफ है अच्छी लगेगी। लास्ट में मैंने थोड़ा सा डाला हुआ है और वीडियो में वो मैं बता नहीं पाई हूँ, तो आप देख लीजिएगा। एक साइड आप पिंक कलर का शेड वगैरह जो है दे सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह से लीफ को में पूरा वाइट कलर फिल करने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से किनारे किनारे पे ग्रीन कलर को लगाना है डीप ग्रीन, और इस तरह से वाइट में उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। थोड़ा सा देख सकते हैं नीचे से थोड़ा सा शेड ज़्यादा कर दे जो ग्रीन का है, इस तरह से जैसे मैंने दूसरी लीफ में बनाया है, और फिर उसको अच्छे से कलर में ब्लेंड करें ताकि जो हमारा कलर वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टार्टिंग में तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा और वीडियो भी देखने में आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, तो आपको बोरियत महसूस हो गई, लेकिन आप पूरे वीडियोस देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि किस तरह से बना है, ठीक है। और मैंने वीडियोस काफ़ी बड़ी थी, बनाने में टाइम लग रहा था मुझको, तो मैंने वीडियो को कहीं कहीं पर मतलब शॉर्ट कर दिया है, कटिंग उसकी वीडियो को एडिटिंग करते हुए वीडियो निकाल दी है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी तीन लीफ है वो बन चुकी है नीचे की। फ्रेंड्स आज मैं ये जो है सीख रही थी, आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी है, ये मैं सिर्फ सीखने के लिए पेंटिंग की हूँ, इंशाल्लाह अगर अच्छी लगी तो मैं आगे भी बनाती रहूँगी। इस तरह की बहुत सारी पेंटिंग मैंने बनाई है किनारे पे कलर लगा के, लेकिन अभी ऐसे जैसे छोटे छोटे फ्लावर डाल के मैं नहीं बनाई थी, अगर फ्लावर डाली हूँ तो ऐसा शेड नहीं दी हूँ जो बाहर हमने दिया है, और जहाँ पे शेड दी हूँ वहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर नहीं बनाई थी, तो मैंने इसको देखा है कहीं पे, इसके लिए मैं इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो चीज़ मैं पिंक शेड डाल रही हूँ रेड कलर का, वो आप उसमें जो है पहले वाइट कलर जब लगाएं तभी ये डाल देंगे तो आपका शेड जो है अच्छे से कलर जो है अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, दूसरे कलर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अलग से डालने पे क्या है जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आप पहले ही कर लें, उसके बाद ये जो रेशे हमने बनाए वो रेशे दीजिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने लीफ बनाई है उसमें हमने पहले से रेड शेड को वाइट में मिक्स करके दे रखा है, आप देख सकते हैं एक तरफ की लीफ जो हमारी पिंक शेड में दिख रही है, तो इस तरह से आप भी कर लें। और फिर देखिए कली बनाना बहुत ही सिंपल और इजी है, बहुत पहले से मैं इस तरह की कली बना रही हूँ और आज भी बना रही हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। देखिए पहले सैप ग्रीन हमने लगाना है, सैप ग्रीन लगाने के बाद हमें क्या है इसमें रेड कलर का शेड देना है, रेड कलर शेड देंगे आप तो जो हमारी कली का कलर रहता है ना बिल्कुल सेम वही कलर आता है, जो रोज़ फ्लावर की कली का कलर रहता है बिल्कुल सेम वैसा कलर आ जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह से हम बना रहे हैं, और पूरी लिप जब पूरी बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए दोनों तरफ से इस तरह से पहले हम जो है लिप बना लेते हैं, उसके बाद आप चाहें तो पहले सर्कल वो जो रेड वाला पार्ट है कली का वो ही बना लेंगे तो भी अच्छा रहेगा, और उसके बाद सूख जाने के बाद आप ग्रीन का शेड दे देंगे तो भी आपको वही शेड आएगा जैसा आ रहा है, और इस तरह से अलग अलग कर लेंगे तो भी अच्छा है। मैं एक साथ ही बना के दिखा रही हूँ, आप देखिए आपको समझ में आता है तो ठीक है, आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा, नहीं तो अगर आपको अलग समझ में आए तो आप
इस तरह से ट्राई कीजिएगा, लेकिन मैं बना रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है आप अभी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, अभी मैं पेंटिंग कर रही थी, मुझे तो समझ लो कि अभी उतना नहीं आ रहा था, लेकिन सब ऐसे ही मेरी तारीफ़ करते हैं। इंशाल्लाह मैं और सोच रही हूँ और भी ज़्यादा देख के थोड़ा और आगे जाऊँ बनाऊँ, तो इंशाल्लाह आगे भी मैं बच्चों को सिखाती हूँ, ऑनलाइन क्लास कराती हूँ, तो उनको भी ये सब चीज़ बता पाऊँगी ताकि वो भी अच्छी अच्छी बनाएँ। यहाँ पे भी हमें बनाना है डंठल इस तरह से, ये देख सकते हैं। और उसके बाद जिस तरह से हमने ऊपर की कली बनाई, सेम उसी तरह से ये भी कली बनेगी हमारी। साइड ग्रीन के साइड में हमें फिल करना है रेड कलर, फिर एक दूसरे में उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पे हमने 0 नंबर का ब्रश लिया हुआ है, पहले हमने 2 नंबर का फ्लैट ब्रश लिया हुआ था बाहरी शर्ट को फिल करने के लिए और लीफ को बनाने के लिए, और यहाँ पे हमने 0 नंबर का ब्रश लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी कली है, तो इसको हम उसके शेप में बनाने के लिए छोटे ब्रश का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 0 नंबर का ब्रश मैं ली हूँ और उसी से जो है पत्तियाँ बना रही हूँ, तो उससे क्या है हमारी जो छोटी चीज़ बनी रहती है जब हम उसको बनाते हैं तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है, और अगर ये बड़े ब्रश से बनाते हैं तो हमारा जो शेड है वो अच्छे से नहीं बनता है, कलर जो अच्छे से नहीं लगता है, इधर उधर हो जाता है क्योंकि ब्रश का शेप बड़ा हो जाता है और हमारी जो डिज़ाइन है वो छोटी हो जाती है इसके लिए। तो अब हमने लिया है यहाँ पर पर्पल कलर और वाइट कलर, पहले वाइट कलर को जो है यहाँ पे देखिए फिल करेंगे, जो भी हमारी कली है उसमें शेप दे देंगे कली का, और उसके बाद कलर को फिल कर देंगे और उसमें यहाँ पे पर्पल कलर लगाएंगे, थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे हम ताकि जो थोड़ा कलर है हमारा वो दिखे, एकदम लाइट ना दिखे। तो इस तरह से फिल कर लेते हैं, उसके बाद अगर लाइट लगता है तो उसमें दोबारा से कलर जो है लगा लेंगे। बहुत ही संभाल संभाल के कलर लगाना है क्योंकि अगर ये कलर हमारे जो लाइट है वाइट कलर में मिक्स होकर लाइट हो रहे हैं, अगर साइड ग्रीन पे चले जाएंगे तो फिनिशिंग नहीं आती है, तो उसको बहुत संभाल संभाल के लगाएं। तो यहाँ पे हमारा जो है पर्पल शेड हो गया, आप देख सकते हैं। और अब दूसरे फ्लावर में इसी तरह वाइट लगा के हम लगाएंगे रेड कलर, जल्दी जल्दी के चक्कर में। देखिए यहाँ पे कलर जो है हमारा इधर उधर हो जा रहा है, तो आपको बहुत संभाल संभाल के करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और पर्पल का शेड देते हैं, रेड मैंने पहले रेड लगाया है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा पर्पल का शेड बना रही हूँ, और यहाँ पे रेड ज़्यादा हो गया था तो वाइट कलर लगा के मैंने उसको अच्छा सा कलर बना दिया है। और ये हो गई हमारी दूसरी कली रेडी। ये हमारी दूसरी कली रेडी हो गई, थोड़ी सी मतलब गड़बड़ हो गई है, कलर हमारा इधर उधर चल गया है, तो उसको अच्छे से संभाल के बनाना पड़ेगा ताकि हमारा कुछ मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे कली हमारी तैयार हो गई है, चलिए अब हम आपको दूसरा वर्क करके दिखाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने वीडियो को थोड़ा देर के लिए बंद किया हुआ था, तो जो है भूल गई, तो जो हमने डंडल खींची थी जिस तरह से मैं वाइट कलर लगा रही हूँ बस उसी तरह से ग्रीन का शर्ट भी लगाना था, और उसके ऊपर से लाइट ग्रीन, फिर उसके बाद इस तरह से वाइट कलर करना था, देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम मैं वाइट कलर का शेड दे रही हूँ, उसी तरह से लाइट ग्रीन और सैप ग्रीन दोनों कलर को लगाने के बाद इस तरह से ऊपर से वाइट का शेड दे देंगे। और ये देखिए कितना अच्छा सा लुक आ गया है, अभी तो फ्लावर भी नहीं बना है, तो फ्लावर बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे और आप देखेंगे तो और भी ज़्यादा पसंद आएगा आपको, फ्लावर जब बन जाएगा दिखेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, ब्रश को हमारे क्या करना है खड़ा करके लेना है, एक कॉर्नर पे कलर लेना और बना देना है। ब्रश हमारे जो ब्रश हैं वो बिखरे हुए हैं, तो ये जब आप बड़े ब्रश यानी कि चौड़े ब्रश से बनाएंगे तो बिल्कुल कॉर्नर पे कलर ले लेके बनाएंगे, जैसे कि 4 नंबर हो गया ब्रश, 5 नंबर हो गया, तो जब उस कलर ब्रश पे लेंगे कॉर्नर पे तो आपका जो ये चीज़ है वो अच्छी बनेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फ्लावर का जो है वो शेड डाल रही हूँ, छोटे छोटे जो बारीक फ्लावर होते हैं उनका शेड डाल रही हूँ, जहाँ पे हमारा डार्क शेड जहाँ भी रहेगा वहाँ पे हम इस तरह से वाइट कलर का फ्लावर डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारा डार्क शेड हमने दिया है वहाँ पे इस तरह से वाइट कलर लगाएंगे, तो हमारा जो वाइट फ्लावर रहेगा वो दिखेगा काफ़ी
और अच्छा भी लगता है, जैसा कि अभी आप बनने के बाद खुद देख लेंगे कि इसमें कितना अच्छा लग रहा है ये फ्लावर। और ऐसे डॉट डॉट करके फ्लावर बनाओ तो वैसे भी फ्लावर जो है हमारी डिज़ाइन जो है भर भी जाती है और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पर देखिए फ्लावर बनाने के बाद हमने वहाँ पर उसी में उसी हिसाब से हमने फ्लावर बनाया है और उसी में इस तरह से पतली पतली लाइनिंग जो है कर देंगे। यहाँ पे लगाने के बाद मैं जो ग्रीन शेड को उसमें बारीक बारीक लाइनिंग कर दे रही हूँ, जिससे हमारा फ्लावर और भी ज़्यादा अच्छा खूबसूरत दिखने लगेगा। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा, मैंने आज इसको सीखा है और आप भी बताइएगा कि कैसा बना है, प्रैक्टिस मैंने की है, सही बना है नहीं बना है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं अपने से खुद डिज़ाइन बनाकर ये तैयार करने वाली हूँ, खुद अपनी डिज़ाइन ड्रा करूँगी। और ये भी मैंने खुद से ही ड्रा किया है, लेकिन जो है थोड़ी बहुत मैंने दूसरे की देखी थी, इसकी वजह से उसे बनाने की कोशिश कर रही थी, बट वैसा नहीं बना है, थोड़ा अलग बना है लेकिन बन गया है। तो यहाँ पे भी मैंने एक गलती कर दी है फ्रेंड्स, जो शेड में लगा रही हूँ इस तरह से, यहाँ पे शेड नहीं लगाना था। और अभी लास्ट में मैं जो नीचे की पंखुड़ी बनाऊँगी अंदर पार्ट वाली, वैसा हमें शेड बनाना था। यहाँ पे मैंने दोनों कलर दोनों साइड से जो है कलर को ब्लेंड कर दिया है, लेकिन एक तरफ हमें वाइट रखना था ऊपरी हिस्से पर और अंदर साइड हमें डार्क शेड रखना था, तो ही हमारी पंखुड़ी जो है उसमें अच्छा सा मतलब अच्छा दिखता वो, और पंखुड़ी जो है अच्छी लगती। तो आप बीच वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो को यहाँ पे भी कट करके बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने दो कलर लिया था फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मजेंटा कलर पर्पल कलर। तो मजेंटा कलर मुझे उतना ख़ास नहीं लग रहा था, तो हमने पर्पल कलर का यूज़ किया। पर्पल कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है और लाइट शेड के साथ, वाइट शेड में मिलकर लाइट शेड जो है उसका बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पे पर्पल कलर का यूज़ किया हुआ है। और ये देखो बाहरी पंखुड़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी है। अभी हमें ये वाइट कलर से बनाना चाहिए था ऊपर का शर्ट जो है हमारा, तो हमारा फ्लावर और भी ज़्यादा अच्छा दिखता, लेकिन मुझे समझ नहीं आया और मैंने अपने से जो है कलर डाल दिया। अभी मैं थोड़ा सा अपने से बनाऊँगी अंदर वाला जो पंखुड़ी है उसको मैं वाइट कलर करूँगी ताकि वो अच्छा लगे। तो यहाँ पर तो अब मेरा हो गया है, लेकिन अब इसमें कुछ मैं नहीं कर सकती, उसको दोबारा से बनाऊँगी तो फ्लावर उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो जो है जाने दो, आज की वीडियो में मैंने सीखा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी तो अच्छा बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से जो है, जहाँ पे मैंने पहले ऊपर साइड लगा रही हूँ पर्पल, वहाँ पे वाइट रहेगा और उससे हमारा लुक और अच्छा आएगा, फ्लावर का लुक का जो है और अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह से बनेगा।
बहुत ही धीरे से, मतलब बहुत ही स्लो में बना रही थी क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा शेड गलत हो गया था तो इसकी वजह से बहुत टाइम लग गया। तो अभी ये जो पंखुड़ी मैं बनाने जा रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। अभी आप देख रहे, ये बहुत सही है, इसको हमें इसी तरह से कलर करना चाहिए था लेकिन मैंने जो है स्टार्टिंग में रोज़ बनाने में गलती कर दी और इसी वजह से इसका जो है लुक जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा था। तो इस तरह से देखिए मैं नीचे तरह से डार्क शेड जो है, जो डार्क शेड ब्लेंड करना था और ऊपर जो है वाइट का शेड लगाना है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, उसके बाद आपको जो है फाइनल लुक दिखेगा कैसा ये अच्छा सा दिख रहा है। तो अंदर वाले जितने भी पंखुड़ियाँ अब इसके बाद हैं मैं सब वाइट इसी तरह बनाऊँगी और आपको देखने में खुद फ़र्क लगेगा कि कैसा दिख रहा है। और ये बहुत ही प्यारे से अच्छे से दिखते हैं फ्रेंड्स फ्लावर जो है, और मैं तो बहुत सारे फ्लावर बनाई हूँ तो ये कुछ थोड़ा सा अलग बनाई हूँ। जो ये बीच का हिस्सा है रोज़ का, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसा आजकल सब मेहंदी वगैरह में भी ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं ये फ्लावर मेहंदी डिज़ाइन में। तो मैंने सोचा कि इसको बड़ा करके बनाते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारी बीच की पंखुड़ी जो है बाकी है और ये साइड वाली जो नीचे की साइड है वो बाकी है। इसे भी हम बना के उसके बाद आपको कंप्लीट लुक दिखाते हैं कि हमारा जो कैसा लगेगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप। तो यहाँ पे आप प्रिंट देख सकते हैं इसको, इसको हमने एक साथ फिल कर लिया है और उसके बाद इस तरह से इसमें शेड डाल दूँगी डार्क शेड नीचे से, उसके बाद उसके अंदर भी इस तरह से कर देना है हमें शेड को। बहुत संभाल के करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे पूरी डिज़ाइन तैयार है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो कैसी लगा आपको मेरा, मतलब मैंने ट्राई किया है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर आएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।